मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ कहीं से मेरी वीडियो देख रहे होंगे, एकदम से मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 10 घड़ी में और हम नहा के आ चुके हैं किचन में। किचन से मेरी वीडियो शुरू होती है। दिन है आज संडे का, तारीख मुझे नहीं पता है, दिन संडे का है ये पता है। दिन संडे का हो तो काम कितने ज्यादा होते हैं आप लोग जानते ही होंगे संडे के दिन। तो चलिए आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं संडे के दिन मेरे घर में सुबह से क्या चालू रहता है, और उसके बाद अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई आज की वीडियो यहाँ से शुरू है। अभी सब लोग सो के उठे हैं, चाय पिया है सबने। अब मेरा काम शुरू होता है यहाँ से, मच्छरदानी फोल्ड करना, चादर उठाना और जितने भी सामान इधर से उधर बच्चों ने सारा दिन किया है उनको सब समेट के रखना। चादर उठा के हमने मशीन में लगा दिया है दोनों कमरे का। और यहाँ पे गौरी नहा के पढ़ाई कर रही है। हमने झाड़ू पोछा कर दिया है, आज संडे था तो हमने कहा चलो पोछा लगा देते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, धूप तेज थी। उस कमरे में ले चलते हैं आपको दिखाते हैं, वहाँ की भी बेडशीट हमने निकाल दी है और सारा का सारा कपड़ा मशीन में लगा दिया है। और यहाँ पे स्लैब में सब्जी आई थी जो रात को रखी हुई है, अभी इसको फ्रिज में लगाना है। फिलहाल अभी यहाँ का काम सबसे पहले निपटाते हैं, कपड़े धुलने का काम, नहाने का काम, पूजा का काम, ये सब बाहर आपको ले चलते हैं। बाहर कितने सारे कपड़े भी गट्ठर में रखे हुए हैं, आधे से ज़्यादा कपड़ा हमने मशीन में डाल दिया है। कुछ कपड़े भी खरीद के आए थे बच्चों के, अंडर गारमेंट्स वगैरह जो कि ज़रूरत थी बच्चों की। पाइप लगा हुआ है, पूरा संडे के दिन ऐसा फैलता है, रायता फैलता है, बाहर से अंदर तक फैला हुआ होता है। तो इधर मशीन हमने लगा दिया है, कपड़े धुलते रहेंगे, एक राउंड दो राउंड। सो फ्रेंड, आप लोगों ने झलक देखी ली होगी सुबह संडे का। उधर हमारा मशीन चल रहा है, वॉशिंग मशीन हमने लगा दिया है, चलता रहेगा, कपड़े धुलते रहेंगे। तो हम ना आगे किचन में आ चुके हैं, मुझे खाना भी बनाना है सबके लिए, तो किचन में आ चुके हैं। आज मेरी रेसिपी, इस रेसिपी का हमने पूरे एक हफ्ते इंतजार किया, ये सोच रहे थे कि संडे आएगा तो इत्मीनान से आराम से बनाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, पेशेंस होना चाहिए और मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके लिए तैयारी भी करनी होती है पहले से, जो कि हमने पहले से कर रखी है। फ्रेंड्स सारे काम तो होते ही रहेंगे, मुझे खाना भी बनाना है तो मैं किचन में लग चुकी हूँ खाना बनाने में। आज बनाऊंगी पनीर के मलाई कोफ्ते, जिसको बनाने के लिए मुझे गरम मसाला की एक पोटली सबसे पहले तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, चक्री फूल, काली मिर्च, 2 तेज पत्ता और कुछ हरी धनिया की पत्ती का डंठल लिया है। इन सबको अच्छे से फोल्ड करके एक पोटली बना लेंगे और इसको डालने से रेसिपी में, ग्रेवी में कहें तो इतना बढ़िया स्वाद आता है कि क्या है बताएं। जो हमने पानी गर्म किया था उसमें हमने 3 मिर्ची, 3-4 लहसुन, अदरक और जो हमने कट करके ग्रेवी के लिए तैयार किया था 4 टमाटर, 1 प्याज और थोड़ा सा लौकी हमने लिया था। लौकी की जगह आप सफ़ेद कद्दू ले सकती हैं। इन सबको हमने पोटली भी डाल दी है, इन सबको अच्छे से पकने के लिए रखेंगे। ग्रेवी को इतना ज़्यादा पकाएंगे कि ये तितर बितर जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये पक चुका है, गल भी चुका है। बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब इधर हमने 500 ग्राम पनीर लिया है जिसको ग्रेट करेंगे या फिर कहें कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए आप मोटा पतला किसी भी तरफ से कद्दूकस कर सकती हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे हमने सारे पनीर को कद्दूकस कर लिया है, थोड़े थोड़े मोटे जो चंक्स हैं इनको हाथों से मसल देंगे। पनीर को आपको इतना ज़्यादा मसलना है कि एकदम से एक क्रीमी बन जाए, जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो मसलते हैं उसी तरीके से हम जब कोफ्ते बनाते हैं तो पनीर को बहुत ही अच्छे से हाथों से मसलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको मसल रहे हैं, खूब अच्छे से मसल देंगे। जो हाथ का ये जो गद्दी होती है इसको क्या कहते हैं, हाथ से हथेलियों से इसको खूब अच्छे से मसलेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे सेम आप बना के ट्राई कर सकते हैं। हथेलियों से इसको अच्छे से गूंथ लिया है या फिर कहें मसल दिया है। अब हमने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता को कट करके रखा था, अच्छे से इसको एकदम बारीक बारीक कट करना है। चॉप किया हुआ अदरक और एक चिली लिया है, इसमें हमने काली मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है, काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक और इलायची, काली मिर्च को, थोड़ा सा जो हमने पनीर लिया था इसको इसमें डाल देंगे। पनीर के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक बाइंडिंग हो जाए। जब हम इसका फिलिंग तैयार करेंगे कोफ्ते में भरेंगे तो हमारे जो ये फिलिंग है तितर बितर ना हो, कोफ्ते से बाहर ना आए, इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा पनीर लेके डाल दिया है। अब हमने एक बॉल्स बनाया है, उसको थोड़ा सा चपटा किया है, फ्लैट किया है और ये जो हमने बनाया है
क्या कहते हैं इसको, भरावन कह सकते हैं आप इसको, भरावन को हम इसके अंदर भर देंगे या फिर कहें फिलिंग को डाल देंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे से रोल करेंगे, एकदम रोल करेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना रहे। ये कहीं कहीं से क्रैक्स हो जाते हैं, तो क्रैक ना रहे आप इसको फ्राई भी कर सकती हैं। वैसे हम इसको स्टीम करके बनाएंगे, सारे बॉल्स इसी तरीके से बना लेंगे जो ये फिलिंग है इसके अंदर भर भर के। और ये एकदम सही तरीका से बना रहे हैं आज हम पनीर के मलाई कोफ्ते, और पहली बार ट्राई कर रहे हैं, हमने पहले कभी नहीं बनाया था ना ही खाया था, हमने वीडियो देख के यूट्यूब से ही अपने घर में किचन में बनाया है, क्योंकि हम कोई चीज़ सीख के नहीं आते हैं, देख के ही सीखते हैं। बस सारे कोफ्ते तैयार हैं, यहाँ पे हमने एक जाली वाली थाली ली है जिसमें हम फरे वगैरह बनाते हैं, इसमें हम अपने कोफ्ते को स्टीम करेंगे। आजकल मैं कम तेल खा रही हूँ या फिर कहीं डाइटिंग कर रही हूँ जिसकी वजह से इसको फ्राई नहीं किया है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टीम कर सकती हैं और दूसरा ऑप्शन है आप इसको डीप फ्राई भी करके बना सकती हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ाया है, थोड़ा सा पानी डाला है, बस कोफ्ते को उसके ऊपर स्टीम करने के लिए रख देंगे, ऊपर से ढक दिया है। अब हमने जो काजू को रात भर भिगो के रखा था, काजू में थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे, और दूसरा जार लेंगे बड़ा वाला, इसमें हम अपने जो ग्रेवी के लिए हमने प्याज टमाटर लौकी को बॉईल किया था उसको डालेंगे, इसकी भी ग्रेवी बनाएंगे, यानी इस दोनों को हम पीस लेते हैं। तो चलिए इनको दोनों को पीस लेते हैं। सबसे पहले हमने टमाटर को पीसना शुरू किया है, उसके बाद जो काजू वाला पेस्ट था उसको पीसा है। अब हम ग्रेवी को अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाते हैं तो वहाँ की ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है, उसमें कोई लम्स गुठली नहीं रहते या फिर टमाटर के छिलके। तो आप अच्छे से ग्रेवी को छान लें अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल में अपने घर में ट्राई करना चाहती हैं तो। ग्रेवी हमारी एकदम से स्मूथ हो गई है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट लग रही है, चमक रही है। अब हमने एक कटोरी ली है, कटोरी में हमने एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक ग्रेवी की तरह बना लेंगे, जैसे मसाला का पेस्ट बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे इसको। तो अगर पानी आपको कम लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब हम कोफ्ते को देख लेते हैं हमारे कोफ्ते पके हैं कि नहीं। बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं और फूल के दो गुने हो चुके हैं। दूसरी कढ़ाई हमने चढ़ाई है, उसमें हमने 3-4 चम्मच तेल डाला है, जो हमने मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना के रखा था उसको डाल दिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे, कलर आपको देख सकते हैं कितना अच्छे से बदल चुका है और ग्रेवी कितनी ज़्यादा रेड है जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अब हमने जो पल्प बना के तैयार किया था या फिर कहें ग्रेवी बनाई थी उसको डाल दिया, उसको डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाना होगा क्योंकि हमने उबाल किया हुआ टमाटर प्याज का यूज किया है। यहाँ पर स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दिया है, काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी है ऊपर से, अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकती हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब हम काजू का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर आप इसको चलाते हुए इत्मीनान से भूनेंगे। जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो बहुत ही आराम आराम से आप बनाएं ताकि आपकी ग्रेवी और आपकी सब्जी जो भी रेसिपी बनाएं अच्छी बने। बस देखिए हमारा ग्रेवी बनके तैयार हो चुका है, गैस को हमने धीमा कर दिया है और एकदम लाइट कलर लग रहा है, एकदम से यमी दिख रहा है, देखने से ही लग रहा है कि कितना अच्छा बना हुआ है। ऊपर से हमने भुनी हुई कसूरी मेथी डाल दी है, टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हमने जो कोफ्ते बना के रखे थे कोफ्ते एक एक करके डाल दिया है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं कोफ्ते, आप इनको आराम आराम से डालें। कोफ्ते डालने के बाद इसको हल्के हाथ से चला दें ताकि ग्रेवी जो है कोफ्ते के ऊपर आ जाए। बस हमारा कोफ्ता करी बन के रेडी हो चुका है, ऊपर से हमने धनिया की पत्ती से सजा दिया है और बस अब इसको गर्मा गर्म रोटी चपाती के साथ सर्व करते हैं। बज चुके हैं दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, मेरा खाना पीना नहीं हो चुका है, इतना ज्यादा किचन गंदा है, ऐसे में खाना खा के बैठ जाएं तो भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारा बर्तन फैला हुआ है क्योंकि रेसिपी बनाने में इतने सारे बर्तन लग गए कि क्या ही बताएं। जिनको लगता है कि वीडियो बनाना या फिर खाना पीना बनाना आसान होता है, कोई रेसिपी बनाओ तो इतने सारे बर्तन निकलते हैं कि क्या ही बताएं। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं सुनीता जी, उन्होंने बोला था कि आप अपने वीडियो में ये मत कहा करो कि बक बक करती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू सुनीता जी, आपने हमें बताया, अब आगे से हम नहीं कहेंगे अपने बारे में, अपने बारे में अच्छा ही कहेंगे आप लोगों के सामने।
तो चलिए सबसे पहले किचन साफ कर लेते हैं। अभी इतना तेज धूप है, बाहर कपड़े पलट के आए, इतने सारे काम हो जाते हैं। संडे के दिन एक दिन छुट्टी मिलती है तो सारी कसर 7 दिन की निकल जाती है, जितना हम लोग आराम करते हैं। वैसे मेरे जीवन में आराम हराम है। सबसे पहले बर्तन धुलते हैं, खाना खाएंगे क्योंकि 1 बजने वाले हैं। अब बज चुके हैं 2:00 PM, हम आपको घड़ी दिखा देते हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं, सब लोग खाना पीना खा के मेरे से 2 घंटा पहले ही टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम बर्तन धुलने लगे थे क्योंकि बर्तन धुलने में मुझे 1 घंटा पूरा टाइम लगा, इतना ज्यादा बर्तन हो गए थे कि क्या ही बताएं। उसके बाद हमने सब्जी रखने लगी, जो कि कल रात में आई थी सब्जी, उसको फ्रिज में लगाना था। और अब हम अपने लिए खाना लगाएंगे प्लेट। आप लोग भी आ जाइए लंच करने हमारे साथ, तैयार है ना लंच करने के लिए? और बहुत ही यमी लंच बना है, सबने खाया और बताया कि बहुत ही बढ़िया बना है, एकदम क्रीमी पनीर के मलाई कोफ्ते। इसमें हमने क्रीम नहीं डाला, क्रीम की जगह हमने काजू का पेस्ट डाला था, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आया है। वैसे क्रीम थी हमारे घर में लेकिन हमने डाला नहीं, क्योंकि इस रेसिपी में कविता जी ने क्रीम नहीं डाला था, इसलिए हमने भी नहीं डाला। तो चलिए पापड़ सेकते हैं, आज हम पापड़ भी खाएंगे साथ में, और फटाक से थाली लगाते हैं, आप लोग भी आ जाइए। फ्रेंड अभी बज चुके हैं 2:30 PM और आज इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, थोड़ी देर करेंगे आराम करने का टाइम नहीं है क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। थोड़ा सा कंघी वंघी करेंगे और थोड़ा सा बाल खोलेंगे, बाल सूखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय बाय।